हेलो फ्रेंड्स, एएसआर करण सिंह राठौर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टैक्स कंसल्टेंट बनिए मात्र 2 महीने में और 40 से 50,000 महीना कमाइए। बिल्कुल हाँ, अगर आप अकाउंटिंग लाइन के अंदर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, या फिर अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनकर हर मंथ 40 to 50,000 रुपीज मंथली कमा सकते हैं। लोग बड़ा नहीं सोचते हैं, लोग अकाउंटिंग के बेस पे ही रहते हैं। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग ही करते रहेंगे, लेकिन वो बड़ा नहीं सोचते हैं कि मुझे सीनियर अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट बनना है और मुझे ज्यादा इनकम अर्न करनी है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर के बीच में क्या डिफरेंस है। टैक्स प्रैक्टिशनर सीए, सीएस और सीए में ही बन सकता है, और टैक्स कंसल्टेंट एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब कॉमर्स और नॉन कॉमर्स कोई भी टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है। सिंगल क्लाइंट बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट से आपको कौन कौन सी इनकम जनरेट होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एवरी पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का क्लाइंट मिल सकता है। वन पर्सन कंपनी, अगर वो एक वन पर्सन कंपनी जनरेट करके अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो आपको वन पर्सन कंपनी के लिए क्लाइंट मिल सकता है। अकाउंटिंग, वही पर्सन अगर कंपनी ओपन करेगा तो उसकी अकाउंटिंग होगी, वो अकाउंटिंग आपको वहां पे मिल सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर उनका टर्नओवर 14 लाख रुपीज से ऊपर जाता है तो आपको उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेने के आपके पास ऑप्शंस हैं। जीएसटी कंप्लायंस, एक बार अगर उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो आपको इसके एवरी मंथ आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करने होंगे, एन्यूज रिटर्न फाइल करने होंगे, उसकी अकाउंटिंग करनी होगी, ये जीएसटी कंप्लायंस आप उस क्लाइंट का कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट, अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो उसका टैक्स ऑडिट भी होता है। टैक्स ऑडिट एक्चुअली सीए करता है, लेकिन हम टैक्स ऑडिट की पूरी अकाउंटिंग करके आप उनको देख सकते हैं। जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट का भी प्रोविजंस आप क्रिएट कर सकते हैं। टीडीएस रजिस्ट्रेशन, अगर वो टीडीएस एप्लीकेबल है उसके ऊपर डिडक्ट करना तो उसका टीडीएस का रजिस्ट्रेशन होता है, तो टैक्स कंसल्टेंट टीडीएस का रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। टीडीएस कंप्लायंस, अगर एक बार उन्होंने टीडीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया तो एवरी मंथ उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, एवरी मंथ उनका पेमेंट करना होता है और क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है, तो ये वर्क भी आपको एक ही क्लाइंट का मिल सकता है। टीडीएस रिफंड, अगर किसी ने उनका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो उनको रिफंड लेना होता है, रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, इसलिए आपको वो क्लाइंट मिल सकता है। लोन्स, आजकल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोई लोन लेना चाहता है, तो आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनकर क्लाइंट्स को लोन दिला सकते हैं, वहां पर आपको कमीशन मिल सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिजनेसमैन के लिए ओडी लिमिट आप दिलवा सकते हैं किसी बैंक से। कैश क्रेडिट सीसी लिमिट दिलवा सकते हैं और अदर सर्विस दे सकते हैं। मीन्स एक सिंगल क्लाइंट से आपको इस टाइप से इनकम जनरेट हो सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आपको इनकम के सोर्सेज आपके कैसे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, एक पर्सन अगर एक होम परचेज कर रहा है, हाउस परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या कंप्लायंस होते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, अगर एक घर ले रहा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, तो ही उनका लोन होगा। बिजनेस प्रूफ उसके पास में, अगर बिजनेस से लोन ले रहा है तो बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस, तो लाइसेंस लेने के लिए आपके पास में आएगा तो आप उनका लाइसेंस दिलवा सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट, अगर बिजनेस को रन करना है या फिर आपको हाउस दिलाना है तो वो आपके पास में आएगा कंसल्टिंग करने, तो इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और लोन प्रोसीजर, एवरी पर्सन अगर होम लेता है तो उसके लिए वो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो आप उनका लोन अप्लाई करके वहां पर कमीशन जनरेट कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट क्या काम करता है। टैक्स कंसल्टेंट बनने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट क्या काम करता है। तो सबसे पहले टैक्स कंसल्टेंट अकाउंटिंग करता है। नॉर्मली अकाउंटिंग अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट अपने ऑफिस में बैठकर किसी अदर क्लाइंट्स का डेटा लेकर अकाउंटिंग करता है, वो किसी वहां के ऑफिस के प्रेमाइसिस पे जाके अकाउंटिंग नहीं करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है। जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, टीडीएस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, टीडीएस के कंप्लायंस कर सकता है, टीडीएस रिटर्न और उनकी पेमेंट करवा सकता है, टीडीएस रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उनका रिफंड दिलवा सकता है, लोन्स दिलवा सकता है किसी क्लाइंट को, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी लिमिट दिलवा सकता है, कैश क्रेडिट दिलवा सकता है, टैक्स की प्लानिंग कर सकता है। कंसल्टेंट का मतलब होता है टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स की प्लानिंग करना कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये
बेनिफिट्स मिलेगा, ये डिडक्शंस मिलेगा जिससे आपका इतना टैक्स सेविंग होगा। पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और गुमास्ता या लाइसेंस हम बना सकते हैं। तो ये टैक्स कंसल्टेंट के वर्क हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर एक टैक्स कंसल्टेंट इतने सारे वर्क करता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी बढ़ जाती है। अगर किसी क्लाइंट पर्सन की वैल्यू बढ़ती है, अगर किसी पर्सन की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम भी बढ़ती है। क्वालिफिकेशन, अब ये सोच लेते टैक्स कंसल्टेंट कौन बन सकता है, तो उसके लिए बीकॉम पास आउट या बीए या फिर कोई भी डिग्री हो सकती है। कोई भी डिग्री का मतलब उसके पास जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड है टैक्स कंसल्टेंट, इसलिए हम लिख रहे हैं बीकॉम पास आउट। और इसके साथ साथ में आपको क्या अदर्स नॉलेज की जरूरत होती है अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं, तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन का बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन आएगी, ताकि प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट के आधार पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एंड टीडीएस एंड रिटर्न फाइलिंग, सबसे मेन चीज टैक्स कंसल्टेंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होता है, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स पूरी तरह से समझना पड़ता है। TDS और इसके रिटर्न फाइलिंग कैसे होते हैं ये आपको नॉलेज होना चाहिए। GST एंड GST रिटर्न फाइलिंग, एनी सॉफ्टवेयर, आपको किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट से अगर आप बात कर रहे हैं तो पोलाइटली बात कीजिएगा और उसके साथ में आपको उनका अच्छा लगे कि आपका काम उनको पसंद आए, इस तरह से आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ हम इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कवर करवाएंगे ये हम बताते हैं। इनकम टैक्स एंड टीडीएस, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, इस तरह से है, SSC क्या है, ये पूरा डिटेल्स आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के अंदर कवर होता है। इसके बाद आता है इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब का मतलब कि 5 लाख रुपीज तक कितना टैक्स है, 10 लाख रुपए कितना टैक्स है, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, या फिर अदर सोर्सेज के अंदर लॉटरी इनकम हो रही है तो उसके ऊपर किस तरह से अलग टैक्स लगेगा, इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब है। 5 हेड्स ऑफ इनकम, आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स के, इनकम के 5 हेड्स होते हैं, इस पर इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और सैलरी, मतलब ये 5 हेड्स होते हैं। इन 5 हेड्स को अलग अलग कंप्यूटेशन होता है, वो किस तरह से होता है ये आपको इस कोर्स के अंदर कवर कराया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनका कंप्यूटेशन 5 हेड्स का कैलकुलेशन होगा, देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में शेड्यूल 6 के हिसाब से डिडक्शंस मिलते हैं, वहां आपको नेट इनकम आती है, इस तरह से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, जनरल डिडक्शंस मिलते हैं HUF और इंडिविजुअल्स को, वो कैसे होते हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर कवर जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स और TDS, टैक्स हमें पे करना होता है, अगर हमें टैक्स पे करना है तो कैसे पे करेंगे, हमें एडवांस टैक्स कब पे करना है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी कब आती है, और हमें अगर किसी का TDS डिडक्ट हुआ है या हम किसी का TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट हम कैसे करते हैं, ये हम इस कोर्स के अंदर कवर कराते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस पोर्टल, इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर आपको किस तरह से आप रिटर्न फाइल करते हैं, ये प्रैक्टिकली बेस होता है। GST रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग प्रोसेस, नेक्स्ट पार्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हम GST का काम कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ GST, एप्लीकेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, इनपुट टेस्ट क्रेडिट, टेस्ट कैलकुलेशन एंड पेमेंट, GST पोर्टल रिटर्न, GST के पोर्टल के ऊपर किस तरह से रिटर्न फाइल होते हैं, GST कंपोजिशन स्कीम्स एंड रेगुलर स्कीम के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ई-वे बिल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और रिटर्न फाइलिंग ऑफ GSTR 1, GSTR 2A, 3B और GSTR 9C, एनुअल रिटर्न हम किस तरह से फाइल कर सकते हैं, उसके बीच में क्या क्या कंप्लाइंस आ सकते हैं, वो हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है लोन्स एंड फाइनेंस, क्योंकि एवरी टैक्स कंसल्टेंट लोन कराता है और लोन कराने के लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का क्या इंट्रोडक्शन है, पर्सनल लोन कैसे कराएंगे, बिजनेस लोन, CC और OD लिमिट के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, किस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना था, कौन सा आपको करंट रेशो होना चाहिए, वो हम इस कोर्स के अंदर कवर कराते हैं। हाउसिंग लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका रिटर्न कितने तक का होना चाहिए, तो हाउसिंग लोन दिला सकते हैं। मॉर्गेज लोन, प्रोसीजर फॉर लोन एप्लीकेशन और रोल ऑफ सिविल, ये पूरा लोन एंड फाइनेंस का काम होता है। अब एक टैक्स कंसल्टेंट किस तरह से इनकम जनरेट कर सकता है, ये हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एवरी मंथ, यहां हम थोड़ा सा सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। एवरी मंथ अगर आपके पास में 10 क्लाइंट्स हैं और एक क्लाइंट से अगर आप 2500 रुपीज चार्ज करते हैं, ये मिनिमम चार्जेस है, 2000 1500 रुपीज अगर चार्ज करते हैं
तो मंथली 25,000 रुपीज आप अकाउंटिंग का इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन मंथली में अगर एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप नॉर्मली 2,000 रुपीज चार्ज करते हैं, ऐसे तो 5,000 10,000 रुपीज भी मार्केट में चार्ज करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि लोग कितना चार्ज करते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ के हिसाब से अगर आपके पास में 10 क्लाइंट है और एक क्लाइंट से अगर आप 1,000 रुपीज चार्ज करते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपीज एवरी मंथ अर्न होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एवरी ईयर होता है और अगर आपके पास में 1,000 आप नॉर्मल फीस लेते हैं किसी क्लाइंट से और 100 है तो आपके पास में 1,00,000 रुपीज आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितने ज्यादा क्लाइंट बनाएंगे आप उस तरह से इनकम टैक्स के अंदर ज्यादा अर्न कर सकते हैं। लोन फाइल अगर आप किसी के कराते हैं, लोन कराते हैं उसके ऊपर मान लीजिए 15,000 रुपीज का आपको कमीशन मिलता है तो इस तरह से आपकी टोटल एनुअल इनकम 4,50,000 रुपीज हो जाती है। दैट मीन्स 40,000 to 50,000 रुपीज मंथली एवरेज आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की इनकम अर्न करनी है, आपको अपना नाम रखना है कि आप टैक्स कंसल्टेंट है, मार्केट के अंदर आपका इमेज अच्छी करनी है तो इसके लिए हमारे पास में कोर्स है जिसको हम बोलते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। तो डू यू वांट टू बिकम ए टैक्स कंसल्टेंट, तो कोर्स नेम टैक्स कंसल्टेंट, इसके अंदर इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स पोर्टल, TDS, GST एंड रिटर्न फाइलिंग, लोन्स एंड फाइनेंस, PF और ESI स्टार्ट हो रहा है हमारा 13 जून 2022 से। That means कि 13 तारीख यानी कि 13 जून से एक नई बैच स्टार्ट हो रही है जो मॉर्निंग का टाइम है 6:30 to 7:30 AM। जो स्टूडेंट्स सुबह मॉर्निंग में जल्दी जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए ये कन्वीनियंट टाइम दिया हुआ है। इवनिंग भी क्लासेस की रहती है 9:30 to 11 और बेसिक्स टू एडवांस हमारे एक कोर्स और भी है जो बिल्कुल नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो भी अगर टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक्स टू एडवांस का कोर्स है जो बिल्कुल बेसिक से चार होता है वो 3 मंथ का कोर्सेज है और उसका जो टाइमिंग है वो 8 to 9 PM है। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं यानी कि 13 जून के बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इंक्वायरी फॉर्म की लिंक दे रखी है, आप उस इंक्वायरी फॉर्म को आप सबमिट कीजिएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और हमारी जो नई बैच आने वाली है उस बैच के बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दे जाएगी। तो ये बैच हमारे 13 जून से स्टार्ट होने वाली है, 6:30 to 7:30 AM उसका टाइमिंग है और उसके रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो अगर आप किसी रीजन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे उसका रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाता है और उसका जो एक्सेस पीरियड होता है वो 5 मंथ्स का होता है यानी कि 5 मंथ तक उसको अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, 5 मंथ के बाद में वो इनवेलिड हो जाएगा। इसकी जो फीस है इस कोर्स की वो फीस है सर 10,000 रुपीज, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, मॉर्निंग क्लासेस हैं इसके लिए अभी आपको 50% डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है यानी कि अभी जो कोर्स की फीस है वो 4999 में आप इस कोर्स को रजिस्टर करा सकते हैं। अब इतनी कम फीस में आपको कोई भी इंस्टीट्यूट इतने सारे मॉड्यूल्स आपको एक साथ प्रोवाइड नहीं करता है जहां पर हम प्रॉपर तरीके से आपको एक टैक्स कंसल्टेंट कोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम प्रॉपर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप 4999 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए अगर आपको देखना है कि अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग वीडियो लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी ले सकते हैं, ये भी हमारे लिए अवेलेबल है। अगर आपको इस कोर्स की रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7389-7117 और इसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, अगर आप व्हाट्सअप करते हैं उस पर रिप्लाई आ जाएगा, अगर आप कॉल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा कोर्स है सर टैक्स कंसल्टेंट का जिसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने आपको सभी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसके अंदर हम कौन कौन से कोर्स कंटेंट कवर करने वाले हैं और कौन कौन से मॉड्यूल्स हम आपको कवर करने वाले हैं, किस तरह से क्लासेस होगी उसका अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो आपके ऊपर हम एक PDF फॉर्मेट के अंदर पूरा कोर्स का कंटेंट है वो हम आपको शेयर करेंगे, शेड्यूल वाइज डे वाइज शेड्यूल्स दिया हुआ है कि इस डे को ये लेक्चर होगा, इस डे को ये लेक्चर होगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि इस कोर्स के अंदर हम क्या करने वाला है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और अपना नाम अच्छे से कमाना चाहते हैं मार्केट के अंदर और पैसा भी कमाना चाहते हैं और नॉर्मल अकाउंटिंग की जॉब से आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, हम आपको इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।